आपके साथ तन्वी सूद और मैं हूं आपके साथ प्रशांत। और आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक पर हो रही कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। प्रशांत, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से लोगों को शोहरत भी मिली और लोग काफी फेमस भी हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक को काफी मिसयूज करते हैं और कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसते जा रहे हैं, तो इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तन्वी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली टिकटॉक को लेकर के एजाज खान जो हैं, जो कि हमेशा ही विवादों में फंसे रहते हैं, हमेशा ही उनके साथ विवाद जुड़ा रहता है, उन्हें अभी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है उनकी टिकटॉक पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो डालने के चलते। उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो डाली है जो काफ़ी टाइम से अभी खबरों में बनी हुई है, तबरेज अंसारी को लेकर के। जैसे कि अभी मामला सामने आया था रांची में कि जो तबरेज अंसारी हैं उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, उनको घेर लिया था, चोरी बोरी को पकड़ा गया था, श्री हनुमान करके, श्री हनुमान और जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं लगाए तो उनकी पिटाई विटाई कर दी। उसके फिर चार दिन बाद खबर आती है कि उनकी उनकी डेथ हो गई है। अब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद अब ये टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो फैसू हैं, जो उनकी टीम 07 हैं, वो और फैसू काफी फेमस है, काफी फेमस है। मैं बताऊँ आपको, टिकटॉक पर फैसू के ही सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पूरे 24 मिलियन के फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर। तो उनकी अगर वीडियो अगर वो अपलोड करें तो इतनी जल्दी तो वायरल हो ही जाएगी, अगर इतने सारे उनके फॉलोअर्स हैं, लोग फॉलो करते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने उस मुद्दे के ऊपर, तबरेज अंसारी की डेथ के ऊपर, उन्होंने कंट्रोवर्शियल वीडियो बना डाला अपने दोस्तों के साथ। हाँ, चार दोस्त थे उनकी जो टीम है उनकी 07 करके, उसके साथ मिलकर के उन्होंने एक वीडियो डाल दी टिकटॉक पर। अब वो वीडियो क्या थी, वीडियो में ये था कि उन्होंने ऐसे करके बोला कि जो वीडियो है प्रॉपर में उसमें उन्होंने बताया कि वो तो चला गया, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो अपने उसका बदला लेगा, आपके तो बदला लेगा, तो उसको आप आतंकवादी मत समझना। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि वो मुसलमान है, तो मुसलमान होने के नाते उसको आतंकवादी मत समझना। लेकिन इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में एजाज खान कहां से टपक पड़े? एजाज खान यहां से घुस गए कि एजाज खान जो है उन्हें हर चीज में घुसने की एक तो आदत ही लगी हुई है, कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर के। अभी उनका रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें बोल रहे हैं पुलिस मुझे उठा के ले जाती है, ये मुझे उठा करके ले जाते हैं, ड्रग्स हर साल उनका कुछ ना कुछ आता है। साल में अगर दो बार वो कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसे ऐसा तो होता ही नहीं है। अब ऐसा ही हुआ है, उन्होंने फैसू की जो ये जो उन्होंने जिनको लेकर उनको जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है ना, जो इस कंटेंट को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, उन्होंने सपोर्ट किया है फैसू की टीम का, फैसू का और उनकी 07 टीम का सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि कैसे वो मुसलमान हैं, टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान उनके नाते सिर्फ उन्हीं के उन्हीं वो जो डाल रहे हैं वीडियो पर या वो जो टिकटॉक पे डाल रहे हैं उन्हीं को क्यों सस्पेंड कर दिया गया या सवाल उठाए जा रहे हैं उनको, उनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, टिकटॉक पे तो बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने इस तरीके से तंज कसा है और उन्होंने फैसू की टीम का और फैसू का पूरा सपोर्ट किया है, पूरे वो सपोर्ट में उतर के आ गए हैं। वही मुंबई पुलिस को लेकर भी उन्होंने बैठकर पूरी मिमिक्री करी है बॉलीवुड का पूरा वो दिखाते हुए और मुंबई पुलिस पे तंज कसा है। हाँ, यही एक बात है कि जब अब ये जो फैसू की जो वीडियो पर जो बवाल मचा, उनकी एक और पुरानी वीडियो है, उनकी एक पुरानी वायरल थी। हाँ, वो एजाज के साथ फैसू की एक पुरानी वीडियो थी जो कि वायरल हो रही है। उसमें क्या था कि वो एजाज जो है वो बॉलीवुड के डायलॉग्स जो है उनकी मिमिक्री करते हुए पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे थे। मजाक उड़ा रहे थे और इन्होंने इस जो मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर फैसू कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हैं तबरेज को लेकर के, इसको लेकर के भी उन्होंने उसमें बोला है, मजाक उड़ाने की कोशिश करी है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने भी उन पर कार्रवाई की। बिल्कुल, मुंबई पुलिस के उस वहाँ से ट्वीट भी हुआ है कि उनको सबसे पहले उन्हें कुछ लोगों ने उन पर वो कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद उन्हें वीडियोस मिली, उसके बाद जाकर उन्हें अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता दूं, जो वो थे तबरेज को लेकर के जो फैसू को जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, वो थे रमेश सोलंकी, आईटी सेल शिवसेना के आईटी सेल चीफ हैं वो रमेश सोलंकी। उन्होंने ट्विटर के जरिए उन्होंने बताया था कि इस वीडियो को लेकर के कंटेंट पर आपत्ति जताई थी और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं जो ये वीडियो डाली है उसने एजाज खान ने जो वीडियो डाली है उसके जो कैप्शन में जो लिखा है वो ये लिखा है, वारंट लाया है रमेश सोलंकी। बिल्कुल, हाँ, तो वारंट लाया है रमेश सोलंकी, इसके ऊपर ये और ज्यादा बवाल क्रिएट हो गया है जिसको लेकर के उनको मुंबई पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रशांत ये भी बता देते हैं कि ही हैज बीन चार्ज्ड अंडर आईपीसी एंड आईटी एक्ट सेक्शन 67 जिसमें ये है कि उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख तक का उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो मैं एक बात और तुम्हें बता दूं, मैं एजाज को लेकर के, तन्वी, जो एजाज खान है उनके इस कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर जो हमारे बॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं जो बीजेपी के काफी बड़े सपोर्टर हैं अशोक पंडित, उन्होंने भी क्या करा है, एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया पर अपनी फाइल डाली है, एफआईआर दर्ज की कॉपी डाली है,
उन्होंने भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई है जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। जास को उन्होंने भी बताया कि ये जो कर रहे हैं टिकटॉक वीडियो पर इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो डाल रहे हैं, इसके जरिए क्या लोगों को भड़काना, समुदाय को भड़काना, दो मजहबों के बीच में लड़ाई कराना, तो इससे क्या होगा, हिंसा बढ़ेगी, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, लोगों के बीच में गलत गलत भेदभाव को लेकर के चीज़ें क्रिएट होंगी। तो ये इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला कि ऐसे इंसान के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, उसको इसी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उन्होंने अशोक पंडित ने, उन्होंने बोला कि कुछ लोग इस पर अभी भी चुप भी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स में से भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो उनको भी इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए। जैसे कि एक बात है, अब टिकटॉक है, अब टिकटॉक पर लोग वीडियोस डालते हैं, अब टिकटॉक को भी कुछ ना कुछ एक एक्शन लेना चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ उनको फॉर्मेट बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए कि जो वीडियो होती हैं, कोई भी अगर अपनी वीडियो डालता है टिकटॉक पर तो कोई एक बिकॉज एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाते हैं या अपना डांस करके या हो गया अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा के, लेकिन उस पर अगर ऐसी वीडियोज आएंगी तो उसमें एक फॉर्मेट बनाना चाहिए टिकटॉक वालों को कि ऐसी वीडियोज दिखाई ना जाए, अगर कोई ऐसी डालता है दिखाई ना जाए। हाँ, जैसे कि वो जैसे इस वीडियो को अपलोड करें तो वो जो सीधा जो टिकटॉक वाले हैं उनकी जो टीम होगी वो उसे सस्पेंड कर दे, उस वीडियो को ही सस्पेंड कर दे। तो अभी तक तो ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि एजाज खान का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है टिकटॉक से, जैसे जिस तरीके से फैजू के साथ हुआ था, उनका और उनके जो बाकी दो टीम के दो दोस्त थे उनके अकाउंट को अभी तक सस्पेंड कर दिया है अभी तक सस्पेंड ही है। वहीं अभी एजाज को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, अभी और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वैसे एक बात ये भी है कि एजाज खान, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी कि एजाज खान का कॉन्ट्रोवर्सी से बहुत पुराना नाता है, अभी रिसेंटली अभी तुमने भी कोई ना कोई उसकी ज़रूर कॉन्ट्रोवर्सी सुनी होगी जिससे वो फंसे होंगे विवाद में। बिल्कुल प्रशांत, एजाज खान एक ऐसे शख्स है जो कभी ना ऐसा होता ही नहीं कि उनकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी सामने, पिछले साल का आप उनका एडिक्शन वाला ले लीजिए, ड्रग से रिलेटेड ले लीजिए, या अभी इसी साल उन्होंने मारपीट की थी फैशन डिज़ाइनर और कुछ फ़ोटोज़ का भी कुछ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें उनकी चलती ही रहती है और अब जाके वो टिकटॉक की वजह से भी फंस गए हैं। लेकिन अब हम अपने व्यूअर्स से बस ये पूछेंगे कि आपको क्या लगता है एजाज खान का ऐसे फंसना और उन पे कॉन्ट्रोवर्सीज होना ये सही है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यार फैसू इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, और ये जो नए उभरते हुए जो कलाकार है जो टिकटॉक से उभर के आ रहे, इतना काम कर रहे, इट्स वेरी नाइस थिंग, मतलब अच्छी चीज़ है कि ये लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सागर, उसको बंद करा म्यूज़िक को, म्यूज़िक बंद करवा। यार ये दोनों बहुत ही पॉपुलर है, सलमान भाई और कैटरीना कैफ के बाद ऐसा लगता है ये दोनों की पैर माशाल्लाह, दिस न्यू केज, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, ये दे आर नेशंस हार्ट थ्रोप, सारे लड़के उसके जन्नत के पीछे पागल है, सारी लड़कियां इसके पीछे पागल है, दोनों का बहुत अच्छा रामजी गुलाटी ने यूज़ किया माशाल्लाह, वेरी नाइस सॉन्ग, और ये सॉन्ग चल रहा है ऑलरेडी, सुपर हिट हो चुका है। आई विश देम ऑल द लक, ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, सो मैं हमेशा मेरे भाइयों के साथ में हूँ, वेन एवर दे नीड मी आई एम ऑलवेज देयर। आने वाला है मेरा जोनर आपको पता चलेगा, मैंने ऐसे म्यूजिक वीडियो बहुत सारे किए लेकिन अभी मैं चेंज किया, अभी मेरी माँ के लिए मैंने गाना लिखा हूँ और उस गाने पे वो म्यूजिक वीडियो आने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। यार मैं भारत फिल्म अभी देखा नहीं हूँ लेकिन मैं देखने वाला हूँ, पर फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी लगी है और फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, इसका मतलब लोगों को फिल्म पसंद आई है और लोग फिल्म देख रहे हैं, तो आई थिंक सो मैं भी जाके कल देखूंगा, उसके बाद तेरे को बताऊंगा कि फिल्म मेरे को कैसी लगी। सलमान की
अच्छी बात है, सेलिब्रिटी को राहत हो जाती है, कॉमनर नहीं है तो, क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी 15 साल 20 साल काम करके एक सेलिब्रिटी अपना नाम बनाता है, आप लोग भी जानते हैं बहुत मुश्किल है नाम बनाना, उसमें आके एक कॉमनर उनको कुछ भी बोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब, तो अच्छी चीज़ है सेलिब्रिटीज आ नहीं रहे थे, अब वो लोग आएंगे और खुल के सेलिब्रिटी टू सेलिब्रिटी जो बहस होती है वो चलता है, उनको पता है कहाँ हमारा बिलो तो बेल्ट मारना है, कहाँ रुकना है, किधर क्या करना है। और कॉमनर का क्या रहता है कि वो सीधा आके हंग्री रहता है कि किस सेलिब्रिटी से मैं लड़ूं, मेरा प्रोमो बने, मैं फेमस हो जाऊं। तो भाई वाइल्ड एंट्री आप कर सकते हैं कोई, मतलब एक दिन के लिए कुछ? मेरे भाई मैं कोई वाइल्ड का एक दिन के लिए मेरे को अगर बुलाया तो मैं जाऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी बिग बॉस से थोड़ा सा मैंने, क्योंकि अभी दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए यार, मैंने जो दिखाया वो हो गया, अभी मैंने 2 बार गया, 3री बार गया, अब क्या तू मेरे को 100 बिग बॉस तक भेजता रहेगा? हाँ मतलब भाई के बाद इंशाल्लाह होस्ट करेंगे हम, जब भाई बोलेंगे कि अभी मेरे को नहीं करना है तो शायद इंशाल्लाह।